हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बिहार में जहरीली शराब पीने से हुई लोगों की मौत मामले की जांच की मांग की है। रोहतक पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जहां पाबंदी होती है वहां पर इस तरीके की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गुजरात में भी शराबबंदी सफल नहीं हो पाई, वहीं हिसार में एयरपोर्ट बनने में हो रही देरी पर दुष्यंत चौटाला अपना बचाव करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हिसार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जरूर बनेगा और वो भी अंतर्राष्ट्रीय मांग पर। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हरियाणा कांग्रेस के 10 संकल्पों पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने 10 साल के कार्यकाल में नींद में सोए रहे, तब संकल्प पूरा नहीं हुआ तो अब क्या कर पाएंगे। मैं तो बधाई देता हूँ प्रवीणा को, जिसने देश का नाम रोशन किया और देश के नाम के साथ साथ अपने गाँव का काम ऐसे मुकाम पर पहुँचाया रुड़की का कि आज लोगों का उत्साह और जोश अलग दिखा। और मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से हमारी बेटियों ने आज खेलों में अपनी जगह बना रखी, आने वाले समय में और ज़्यादा मेडल्स हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी बेटियां इंटरनेशनल लेवल पर लाने का काम करें। आज महिलाओं को 50% हिस्सा देने का बात थी, वो क्या पूरी नहीं हुई? आज पेंशन में बढ़ोतरी हुई, जो हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उसके तहत जहां पहुंचनी चाहिए थी उसको हम नहीं पहुंचा पाए, मगर अभी कौन सी सरकार चलेगी। आज 75% कानून को कानूनी रूप देकर विधानसभा से गवर्नर से अप्रूव कराने का काम क्या हमने नहीं किया।